खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। जुलाना के गांव हतवाला में सीमा सुरक्षा बल के जवान की मौत से पूरे गांव में मातम छा गया। गांव का एक बेटा पिछले कई सालों से सीमा सुरक्षा बल में देश की सेवा कर रहा था और उसने अपना पूरा जीवन देश सेवा में लगा दिया। इसी दौरान उसको किडनी की बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते अपनी नौकरी के दौरान ही वह इलाज करवा रहा था, लेकिन इलाज के दौरान ही वह मौत की आगोश में समा गया। जिसकी मौत से उसकी कंपनी के साथी तो दुखी हुए, साथ ही सैनिक का परिवार भी बहुत दुखी हुआ और उसकी मौत की खबर से पूरे गांव में मातम सा छा गया। शहीद सैनिक अपने पीछे दो बेटियां छोड़ गया है। आज गांव में शहीद का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के जवान और स्थानीय पुलिस मौजूद रही और ग्रामीणों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कुमार था, कांस्टेबल थे और काफ़ी अच्छी सेवा दी इन्होंने सीमा सुरक्षा बल को। परिवहन शाखा के अंदर ये सेवा देते थे और शुरू से लेकर के अब तक इनका सेवा काल जो बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन अभी बीमारी इनकी ऐसी हो गई तो काफ़ी जांच पड़ताल के बाद में ऐसा पता लगा कि इनको किडनी में और गुर्दे के अंदर कुछ कैंसर की शिकायत है, तो वो बढ़ता गया और फिर अभी मेडिकल रिपोर्ट जो फाइनल आनी बाकी है तो हॉस्पिटल के अंदर ही इनका डेथ हुआ। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर रामकरण है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 25 बटालियन छावला न्यू दिल्ली से आए हैं हम लोग। जो भी वहाँ पर ऐसे कोई केसेज आते हैं तो हमारे बटालियन वहाँ से उनके जो भी है शहीद होता है या जो भी जिनका संस्कार गांव है वहाँ तक हम लोग पहुँचा के आते हैं। तो बड़े राजकीय सम्मान के साथ? हाँ, राजकीय सम्मान के साथ इनकी अंत्येष्टि की कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय ध्वज इनको प्रदान कर दिया गया है और जो भी राजकीय सम्मान होता है उसके मुताबिक इनको सम्मानित करके अंत्येष्टि।